व्यापार मंडल के आह्वान के चलते संग्राम में आज दूसरे दिन भी बाजार बंद है। इस तरह आसपास की सभी दुकानें बंद है और शराब का ठेका खुला है, जबकि अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी बंद है। यहाँ व्यापार मंडल द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अपने स्तर पर 3 दिन का लॉकडाउन किया गया है और लोगों की आवाजाही भी कम है बाजार बंद होने के चलते। कल यहाँ कोविड अथवा कोरोना के 23 मरीज पहुंच चुके हैं, जो यहाँ कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। और इस तरह आप देख सकते हैं आसपास की सभी दुकानें बंद है और एक ढाबे का शटर कुछ खुला है। इसके अलावा पुलिस अथवा होमगार्ड के जवान भी ड्यूटी पर तैनात दिख रहे हैं। प्रशासन की बजाय व्यापार मंडल द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अपने स्तर पर 3 दिन का लॉकडाउन किया गया है और इस तरह आवश्यक वस्तु की दुकानें भी बंद है दवाइयों को छोड़कर, और गाड़ियों की आवाजाही भी पिछले 2 दिन से कम दिख रही है क्योंकि बाजार बंद है। यहाँ मौजूद हिंदू बैंक की ATM मशीनें कई महीनों से बंद है, जिसके चलते लोगों को बैंक बंद होने के दौरान परेशानी झेलनी पड़ती है और SBI की तीसरी ATM भी अक्सर बंद रहती है। लोगों द्वारा एहतियातन अपने स्तर पर यहाँ बाजार बंद रखा गया है और कोविड केयर सेंटर भी शुरू हो गया यहाँ पर, जहाँ 23 मरीज आ चुके हैं अब तक। कोविड केयर सेंटर संगड़ाह में आज 22 नए मरीज पहुँच चुके हैं। यहाँ पहले से मौजूद 23 मरीजों में से एक को सोलन शिफ्ट अथवा रेफर किया गया। स्थानीय प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्योंकि यहाँ कुछ टेस्ट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मरीज को शिफ्ट किया जाना डॉक्टर ने जरूरी समझा। तो आज केयर सेंटर का खाना भी संभवतः कॉलेज के आसपास ही बनेगा, यहाँ से सामान ले जाया जा रहा है। अभी हम मौजूद है संगड़ा के पुराना बाजार में, जहाँ दुकानें आज बंद है और व्यापार मंडल द्वारा 2 दिन के बंद का आह्वान किया गया है। इस तरह SDF की गाड़ी भी अभी पहुंची है और दवाई की दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें बंद है। यहाँ पे व्यापार मंडल के आह्वान के चलते हालांकि संगड़ा में पूरा बाजार बंद है, मगर ये ढाबा खुला है क्योंकि यहाँ कोविड मरीजों का खाना बन रहा है। कुछ लोग मरीजों के लिए खाना कोविड केयर सेंटर के आसपास बनाने की भी बात कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय SDM व ढाबाधारी के मुताबिक खाने देने का तरीका सुरक्षित है और इसे संक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सिरमौर जिला में कोरोना अथवा कोविड मरीजों की संख्या 150 के ऊपर पहुंच जाने के बाद व्यापार मंडल संगड़ा द्वारा अपने स्तर पर 3 दिन का लॉकडाउन किया गया है। हालांकि द्वारा यहां इस तरह कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। जिला मुख्यालय की अकेले गोविंदगढ़ बस्ती में 125 के करीब कोविड पेशेंट पहुँच चुके हैं, जिनमें से कुछ संगड़ाह में मौजूद कोविड केयर सेंटर में भी आए हैं। तो इस तरह व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार पूरी तरह से बंद है और दवाइयों को छोड़कर अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी फिलहाल बंद दिख रही है। इस तरह सामने एक ढाबे का शटर खुला है, जहां से कोविड केयर सेंटर का खाना भिजवाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग यहां खाना ना बनाने और कॉलेज कैंपस के आसपास ही कोविड मरीजों के लिए खाना बनाने की बात कर रहे हैं। तो अभी लोगों की आवाजाही भी लगभग बंद है क्योंकि आज व्यापार मंडल के आह्वान पर यहाँ बंद है और व्यापार मंडल द्वारा कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निर्णय लिया गया है।